CNN भारत लाइव आपको रखे आगे। मामला थाना मसूरी क्षेत्र के कल्लूगढ़ी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, जहां पर दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने के लिए आए साबुद्दीन उम्र 45 वर्ष की झगड़े के बीच में गोली लगने के कारण तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर कल्लूगढ़ी के क्षेत्र में कोहराम मच गया। बताते चले कि मामला कल्लूगढ़ी में आपसी झगड़े को लेकर हुआ है, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे व तमंचे से फायर की जा रही थी, जिस बीच में मेडिकल स्टोर संचालक साबुद्दीन लोगों को समझाने के लिए और मामले को शांत कराने के लिए बीच में आए। बीच बचाव में ही किसी तरफ से गोली चलने पर साबुद्दीन को गोली लग गई, जिनके अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कल्लूगढ़ी में मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को हिरासत में लिया है व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह लगभग 11:30 बजे कल्लूगढ़ी से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है शाबुद्दीन 45 वर्ष, जिनकी गोली लगने से घायल हो गए हैं, उनका कोलंबिया अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर कि डॉक्टर्स ने उनको मृत डिक्लेयर किया है। इसमें पता चला है कि शाबुद्दीन और रियाजुद्दीन जो दो भाई हैं, शाबुद्दीन उर्फ टटीरा और रियाजुद्दीन, इन दोनों के मध्य, दोनों ही सगे भाई हैं, इन दोनों के मध्य कुछ विवाद था, जिसमें विवाद में ये बीच बचाव करने शाबुद्दीन जो आ गए थे, तो उसी बीच बचाव में खालिद जो है वो घर से तमंचा ले आया और बीच बचाव कराते में ही तमंचा चल गया, जिसके कारण ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और बहुत ही जल्द अभियोगगण की गिरफ्तारी की जाएगी।